सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने फिर रच दिया इतिहास। यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा फल में प्राची निगम इंटरमीडिएट परीक्षा फल में शुभम वर्मा ने किया यूपी टॉप। यूपी की टॉप 10 लिस्ट में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के 19 और यूपी की टॉप 20 में 47 मेधावियों ने जगह बनाकर रच दिया इतिहास। गत वर्ष हाई स्कूल में प्रियांशी सोनी ने किया था यूपी टॉप। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद की यूपी बोर्ड की शाखा और CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम ब्रांच में आज ही कराएं प्रवेश। रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल से ही मिलेगा यही। चुनाव के दौरान पुलिस बल पर भी भारी दबाव रहता है। कभी कभी यही दबाव पुलिस कर्मियों के लिए आपा खो देने की वजह बन जाता है। कुछ ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें CO जैसे अहम पद पर तैनात अधिकारी एक प्रत्याशी को धक्का मारकर औकात का पाठ पढ़ाते नजर आते हैं। हालांकि आइडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन यह यूपी की कौशाम्बी लोकसभा सीट से जुड़ा बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लोकसभा के एक निर्दलीय प्रत्याशी द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में नगड़िया बजाने पर CO का गुस्सा भड़क गया और वह कुछ ऐसा कर और कह बैठे जो कैमरे में कैद हो गया। मामला कुछ इस तरह का होने की जानकारी मिल रही है। कौशाम्बी में सिराथू तहसील के तैबापुर शमसाबाद निवासी छिद्दू को चुनाव लड़ने का जुनून है। घर घर बर्तन बेचकर गुजारा करने वाले छिद्दू सन 2000 में शमसाबाद ब्लॉक के BD से निर्वाचित हुए थे। अपने 24 वर्षों की सियासी सफर में वह क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के अलावा विधानसभा तथा लोकसभा के 2-2 और जिला पंचायत के 3 चुनाव लड़ चुके हैं। अपने इस जुनून को पूरा करने के लिए वह तमाम जरूरतों में कटौती करके पैसा जमा करते हैं। चुनाव में नामांकन करके छिद्दू अपनी नगड़िया लेकर साइकिल से प्रचार पर निकल पड़ते हैं। इस समय उनके गले में एक बैनर रहता है जिस पर अपील लिखी रहती है व नगड़िया बजाकर लोगों का ध्यान आकर्षित करके अपनी बात उनके सामने रखते हैं। उन्होंने कौशाम्बी कलेक्ट्रेट में भी ऐसा ही किया। नामांकन कक्ष से निकलते समय उन्होंने नगड़िया बजाकर मौजूद लोगों का अभिवादन किया। उनका यह स्टाइल CO मंझनपुर सत्यन तिवारी को इस कदर नागवार लगा कि उन्होंने मीडिया के सामने ही छिद्दू को धक्का मारकर बाहर का रास्ता दिखा दिया और उसे औकात का पाठ पढ़ा दिया। हालांकि आइडिया इस संबंध में किसी भी वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है वह आपको दिखाते हैं। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।